हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम में क्या हुआ था। हमने देखा था कि ग्रिंडलवॉल्ड पर्सिवल ग्रेव्स का रूप बनाकर मैक्यूसा में ऑरर है और क्रेडेंस जिसे मैरी लॉ ने गोद लिया था और जो आज तक का सबसे बड़ा और पावरफुल ऑब्स्क्यूरियल है उसके ऑब्स्क्यूरियस का यूज करके ग्रिंडलवॉल्ड पावरफुल बनना चाहता है ताकि जादूगरों को मगल से छिपकर न रहना पड़े। न्यूट जो कि अपनी बुक लिखने और थंडरबर्ड को अपने घर एरिजोना छोड़ने जा रहा होता है, अमेरिका में टीना जैकब और क्वीनी से मिलता है। वो सब मिलकर ग्रिंडलवॉल्ड को रोक कर उसका पर्दाफाश कर देते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड को पकड़ लिया जाता है। इन सब हादसे में सबको लगता है कि क्रेडेंस की जान चली गई है, पर वो बच जाता है और ये बात सिर्फ न्यूट को पता होती है। न्यूट वापस ब्रिटेन चला जाता है और टीना, क्वीनी और जैकब अमेरिका में ही रहते हैं, जहाँ जैकब अपनी बेकरी खोल लेता है। अब क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड मूवी जस्ट उसी के आगे की कहानी है जहाँ ये कहानी खत्म हुई थी। तो ये कहानी बेसिकली पांच लोगों के बीच में है। न्यूट स्कैमेंडर ऑब्वियसली जो कि मेन हीरो है, क्रेडेंस बेयरबोन जो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लीटा लेसेस्ट्रेंज, ग्रिंडलवॉल्ड और एल्बस डंबलडोर। तो मूवी स्टार्ट होती है 1927 न्यूयॉर्क से, जहां अमेरिका के जादुई मंत्रालय में ग्रिंडलवॉल्ड को निगरानी में रखा गया है बंदी बनाकर। मतलब ये कहानी पिछली मूवी के 6 महीने बाद की है। ग्रिंडलवॉल्ड को यूरोप भेजा जाना है जो जुर्म उसने वहां किया है उसके लिए। उसकी सिक्योरिटी वाले को 3 बार बदला जा चुका था, पर अब उसकी सिक्योरिटी एबरनाथी कर रहा था जो उसी के साथ पहले ऑरर था। वो लोग उसकी छड़ी और एक लॉकेट देते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड को यूरोप के लिए रवाना कर दिया जाता है, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड और एबरनाथी मिले हुए होते हैं और एक दूसरे की जगह स्विच कर चुके होते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड आजाद हो जाता है। इस घटना के 3 महीने बाद लंदन में जादू मंत्रालय में न्यूट अपने बोट ट्रकल के साथ जाता है। वहां उसे वही तस्वीर वाली लड़की लीटा मिलती है जो कि अब न्यूट के ही भाई थेसियस की मंगेतर है जो कि एक ऑरर है। न्यूट की वहां फॉरेन जाने पर लगे रोक को लेकर 5th टाइम सुनवाई हो रही होती है क्योंकि वो पिछले ट्रेवल के बारे में ढंग से बता नहीं रहा होता कि वो वहां क्यों गया था और उसकी विजिट के दौरान आधा न्यूयॉर्क क्यों बर्बाद हो गया था। न्यूट कहता है कि वो अपनी बुक के लिए वहां गया था, पर मंत्रालय वाले नहीं मानते। पर भाई के कहने पर वो उसे ऑफर देते हैं कि वो भी अपने भाई के साथ ही उसी के ही डिपार्टमेंट में काम कर ले तो उसके ऊपर से वो लोग बैन हटा देंगे। न्यूट के मना करने पर वो लोग उसे समझाते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड की बातों का लोगों पर बहुत असर है और वो उसे सही मानते हैं कि प्योर ब्लड विजर्ड सारे विजर्ड और मगल पर राज करना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रिंडलवॉल्ड को हीरो मानते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस का यूज करके ये सब सच साबित कर देगा। न्यूट को समझ आ जाता है कि अब सब जानते हैं कि क्रेडेंस मरा नहीं था। वो कहते हैं कि क्रेडेंस अब यूरोप में ही कहीं पर है, इसलिए न्यूट क्रेडेंस को ढूंढे और उसे खत्म कर दे। पर तभी वहां ग्रिमसन आ जाता है और न्यूट वहां से बाहर चला जाता है, इसलिए उसके ऊपर का बैन नहीं हटाया जाता। न्यूट को थीसियस वार्न कर देता है कि सब उस पर नजर रख रहे हैं और क्रेडेंस को ढूंढने का काम ग्रिमसन को ही दे दिया जाता है। दूसरी कहानी पेरिस की है जहां अब ग्रिंडलवॉल्ड आ गया है क्रेडेंस को ढूंढता हुआ और उसके साथ एबरनाथी, निजेल, क्राफ्ट, मैकडफ और रोजियर भी हैं। वो लोग एक घर में जाते हैं, वहां के मालिक को मार देते हैं और घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो निजेल को क्रेडेंस के पास सर्कस भेजता है कि वो सही रास्ता चुने। रोजियर कहती है कि जीत के बाद मगल लोग शहर छोड़कर भाग जाएंगे या हम उन्हें मार देंगे, जिस पर ग्रिंडलवॉल्ड कहता है कि नहीं, हम कुछ पर मर्सी कर देंगे ताकि उन पर राज कर सकें। पर अगले रूम में उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है और उसे भी ग्रिंडलवॉल्ड मरवा देता है। उधर डंबलडोर न्यूट को बिल्डिंग के ऊपर मिलने बुलाते हैं। दोनों बात करते हैं कि कैसे मंत्रालय को शक है कि न्यूट को डंबलडोर ने ही न्यूयॉर्क भेजा था, जो कि सच भी होता है। थंडरबर्ड को बचाने और उसे घर पहुंचाने का आइडिया डंबलडोर का ही था, जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि उन्हें मैजिकल एनिमल बहुत पसंद है और फीनिक्स किसी भी मुसीबत में पड़े डंबलडोर के पास कभी भी पहुंच सकता है और उनके परदादा के पास भी एक फीनिक्स था, पर उनके मरते ही वो चला गया था और कभी वापस नहीं आया। फिर डंबलडोर बताते हैं कि क्रेडेंस पेरिस में ही है और अपने असली परिवार को ढूंढ रहा है और वो उसे अफवाह के बारे में भी बताते हैं कि लोगों को लगता है कि वो एक फेमस शुद्ध खून परिवार लेसेस्ट्रेंज का आखिरी वंशज है, जिसे लोग मरा हुआ मानते थे, यानी कि लीटा लेसेस्ट्रेंज का भाई। अब क्योंकि क्रेडेंस अनस्टेबल और अकेला है, इसलिए उसके और सबकी भलाई के लिए उसे ढूंढना होगा और न्यूट उसे ढूंढे।
वो उसे एक कार्ड भी देते हैं जो उनके पुराने दोस्त का एड्रेस होता है कि अगर पेरिस में किसी भी टाइप की मदद की जरूरत हो तो वो उस कार्ड का यूज करे। न्यूट मना कर देता है कि उसे पकड़ लिया तो जेल भेज दिया जाएगा क्योंकि उसके देश से बाहर जाने पर बैन लगा है, पर डंबलडोर कहते हैं कि उन्हें न्यूट पर पूरा भरोसा है क्योंकि ना तो न्यूट को कोई ताकत चाहिए और ना ही शोहरत, और वो सही के लिए काम करता है। पर जब न्यूट पूछता है कि डंबलडोर खुद क्यों नहीं जाते ये काम करने, तो वो बताते हैं कि वो ग्रिंडलवॉल्ड के खिलाफ नहीं जा सकते पर न्यूट जा सकता है। न्यूट तैयार हो जाता है जाने के लिए। जब न्यूट अपने घर पहुंचता है तो वहाँ बेबी निफलर घूम रहे होते हैं। उसके घर में उसकी असिस्टेंट बंटी भी होती है जो उसके जानवरों की देखरेख करती है। न्यूट के घर में भी जानवरों की अलग सी ही दुनिया होती है जैसे उसके सूटकेस में थी। तभी वहाँ क्वीनी जैकब के साथ आ जाती है। जैकब अजीब बिहेव कर रहा होता है। टीना नहीं आई होती क्योंकि क्वीनी मगल को डेट कर रही होती है और ये अलाउड नहीं होता। और दूसरी बात, स्पेलबाउंड नाम की मैगजीन में छपा होता है कि लीटा अपने फियोंसे न्यूट स्कैमेंडर के साथ है, उसका भाई है और एक अननोन औरत भी है जो कि दरअसल बंटी होती है। न्यूट बताता है कि लीटा थीसियस से शादी कर रही है, पर क्वीनी बताती है कि खबर के बाद टीना एचिलस टॉलीवर नाम के औरर को डेट कर रही है। और फिर क्वीनी बताती है कि वो खुद जैकब से शादी करने वाली है, पर न्यूट समझ जाता है कि जैकब लव पोशन के अंडर है इसलिए वो लोग लंदन में है। न्यूट जैकब का जादू खत्म कर देता है। जैकब शॉक हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि अगर क्वीनी ने जैकब से शादी की तो उसे जेल हो जाएगी क्योंकि जैकब एक मगल था। क्वीनी कहती है कि लंदन में ये अलाउड है, पर जैकब उससे जादू करके वश में रखने से मना कर देता है और शादी से भी। क्वीनी वहाँ से चली जाती है। न्यूट फटे हुए पोस्ट कार्ड को जोड़ता है और उसे पता चलता है कि वो पेरिस का है जहाँ से टीना ने क्वीनी को ये भेजा था, यानी कि टीना पेरिस में है। जैकब वापस आता है और न्यूट जैकब और अपने निफलस के साथ पेरिस के लिए निकल जाता है। वहाँ टीना क्रेडेंस को ढूंढते हुए विजिटिंग सर्कस पहुँच जाती है। क्रेडेंस और उसकी दोस्त नगीनी वहाँ काम कर रहे होते हैं, पर वो वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। नगीनी एक मेलेडिक्टस होती है और क्रेडेंस वहाँ साफ सफाई करता था। वहाँ शो देखने यूसुफ कामा आया हुआ होता है। जब वो नगीनी को नागिन में बदलता हुआ देखता है, क्रेडेंस सेलेमेंडस को आवाज कर देता है। नगीनी अपने मालिक को डस लेती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। टीना कुछ नहीं कर पाती। जोवू नाम के बीस्ट की आवाज होने से सारे विजर्ड डर कर चले जाते हैं और सर्कस वाले वहाँ से पैकअप कर लेते हैं। जाते जाते सर्कस का मालिक टीना को बताता है कि क्रेडेंस अपने असली माँ को ढूंढ रहा है। यूसुफ टीना से मिलता है और कहता है कि दोनों का मकसद एक ही है, क्रेडेंस की आइडेंटिटी की अफवाह का सही पता लगाना, क्योंकि अफवाह सच है तो यूसुफ और क्रेडेंस दूर के रिश्तेदार है। यूसुफ उससे कहता है कि वो ऐसा ठोस सबूत देगा जिससे क्रेडेंस की सही पहचान सामने आएगी, और वो टीना को अपने साथ ले जाता है। उधर ग्रिंडलवॉल्ड अपने साथियों को क्रेडेंस के बारे में बताता है, पर उनके बोलने पर हम उसे पकड़ क्यों नहीं लेते, ग्रिंडलवॉल्ड क्लियर करता है कि क्रेडेंस खुद अपनी मर्जी से उनके पास आएगा तभी फायदा है, और इसलिए जाल बिछाया जाता है कि क्रेडेंस उसमें फंस जाए। वो क्रेडेंस की मदद से डंबलडोर को मरवाना चाहता था। उधर न्यूट जैकब के साथ इलीगल तरीके से बिना डॉक्यूमेंट देश से बाहर जाने के लिए पोर्ट की वाले बंदे से 50 गैलन में सौदा करता है और वो पेरिस पहुंच जाता है। न्यूट जादू स्किल्स और निफलर की मदद से पता लगा लेता है कि टीना यूसुफ से मिली थी जिसके हेड से पंख गिर गया था। न्यूट पंख पर जादू कर देता है जिससे पंख उसे यूसुफ के पास पहुँचा देता है। क्वीनी फ्रेंच जादू मंत्रालय पहुँचती है टीना से मिलने, पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कोई टीना गोल्डस्टीन वहाँ नहीं आई। एबरनाथी और रुजियर भी वहाँ पहुँचते हैं। क्वीनी टीना को बहुत ढूंढती है अपने लेजिमिनेंसी का यूज करके, पर वो उसे नहीं मिलती। वो रोकर सड़क किनारे बैठ जाती है और वहाँ रुजियर उसे अपने घर ले जाती है और उसकी देखभाल करती है। उधर क्रेडेंस और नगीनी एक घर पहुँचते हैं जहाँ एक हाफ एल्फ मिलती है जो बताती है वो ही इरमा दुगड़ है जिसका नाम क्रेडेंस के एडॉप्शन पेपर पर था, पर क्रेडेंस दरअसल उसकी मालकिन का बेटा है। पर ग्रिमसन वहां आ जाता है और इरमा को मार डालता है। क्रेडेंस का ऑब्सक्यूरियल बाहर आ जाता है, पर ग्रिमसन खुद को बचा लेता है और ग्रिंडलवॉल्ड को जाकर बता देता है जिसकी ये सब चाल थी। कामा को दिखाते हैं कि उसकी आई में कुछ प्रॉब्लम है और वो वॉशरूम में आई ड्रॉप डालकर बाहर आता है जहाँ न्यूट और जैकब उसका वेट कर रहे होते हैं और उससे टीना के बारे में पूछते हैं। कामा उन्हें अपने घर ले जाता है। उसने टीना को दरअसल कैद कर लिया था और अब न्यूट और जैकब को भी कर लेता है और कहता है कि वो क्रेडेंस की मौत के बाद ही उन्हें आजाद करेगा, पर उसके आईज की प्रॉब्लम अचानक बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वो ट्रक का लॉक खोलकर उन्हें आजाद कर देता है। टीना बताती है कि कामा को पता है क्रेडेंस कहाँ है इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ जोवू आ जाती है।
सब तबाही मचाते हुए, पर न्यूट उसे पकड़ लेता है और सूटकेस पे डाल देता है। अब वहाँ से बच के निकलने के लिए न्यूट डंबलडोर का दिया कार्ड यूज करता है, जो कि दरअसल निकोलस फ्लैमेल के घर का होता है। उधर सारे ऑरर हॉगवर्ट्स पहुँचते हैं डंबलडोर के पास, जहाँ डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास चल रही होती है। ट्रेवर्स न्यूट के पेरिस में होने की बात करते हैं। वो टाइको डोडोनस की भविष्यवाणी वाली पोएम की बात भी करते हैं, जो कि एक ऐसे बच्चे की तरफ इशारा करती है जो बच्चा त्याग दिया गया था, जो किसी ऑब्स्क्यूरियल के बारे में है जिसकी जरूरत ग्रिंडलवॉल्ड को है, पर न्यूट हमेशा क्रेडेंस को बचाने पहुंच जाता है। डंबलडोर ऑरर को कहते हैं कि हम सबका मकसद ग्रिंडलवॉल्ड की हार है, पर जिस तरह से ऑरर्स काम कर रहे हैं उस तरह तो लोग खुद ही ग्रिंडलवॉल्ड से जा मिलेंगे। वो डंबलडोर से ग्रिंडलवॉल्ड को रोकने के लिए भी कहता है और वहाँ पास दिखाते हैं कि उनकी और ग्रिंडलवॉल्ड की कैसी दोस्ती थी, पर डंबलडोर मना कर देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसे डंबलडोर को स्पेल बाउंड कर दिया जाता है कि उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए और उन्हें प्रोफेसर की पोस्ट से भी हटा दिया जाता है। डंबलडोर थीसियस से कहते हैं कि अगर ग्रिंडलवॉल्ड रैली करे तो उसे रोकना मत और उसे ट्रेवर्स वहाँ ना भेजे। उधर लीटा अपना पास्ट याद करती है। वो अजीब थी बचपन में, साथ वालों पर मंत्र मार देती थी अगर वो उसके बारे में गलत बात करते थे तो। वो स्लिदरिन में थी, उसकी और न्यूट की दोस्ती हुआ करती थी। न्यूट हफरपफ में था। फिर वो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की रिडिकुलस यानी कि हास्यतरम वाली क्लास की याद करती है, जब बोगार्ट यानी बहरूपिया न्यूट के सामने ऑफिस डेस्क का रूप ले लेता है, यानी न्यूट ऑफिस जॉब से डरता था, और लीटा का बोगार्ट डूबते हुए कपड़े में बदल जाता है। वो प्रेजेंट में रोने लगती है। वहाँ डंबलडोर आ जाते हैं। लीटा कहती है कि सब उसे बुरा समझते थे, हालांकि डंबलडोर कहते हैं कि वो उसे बहुत होशियार स्टूडेंट मानते थे। अलग सी, उसे तो बस उसके भाई कॉर्वस की बात दुख पहुंचाती थी। डंबलडोर शाहीबाग के दर्पण में अपना पास देखते हैं, जब उन्होंने ग्रिंडलवॉल्ड के साथ ब्लड पैक्ट बनाया था। उधर क्वीनी रोजियर के घर ग्रिंडलवॉल्ड से मिलती है। ग्रिंडलवॉल्ड उसे अपनी मीठी बातों में उलझा लेता है कि वो उसकी मदद करेगा, ऐसी दुनिया बनाएगा जहां जादूगर अपनी मर्जी से जी सके, मगलू से प्यार कर सके या शादी कर सके, और वो क्वीनी को वहां से जाने देता है। वहाँ न्यूट और टीना देखते हैं कि कामा के हाथ में अनब्रेकेबल वॉ का निशान है। वो उसके आंख से वाटर ड्रैगन पैरासाइट हटाता है। टीना और न्यूट घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लेथीफोल्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं, मतलब ग्रिंडलवॉल्ड अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर रहा होता है। न्यूट टीना को बताता है कि मंत्रालय में एक बॉक्स है जिसमें क्रेडेंस की असली पहचान है। उधर क्रेडेंस एक छोटे से चिड़िया के बच्चे की देखरेख कर रहा होता है। ग्रिंडलवॉल्ड वहाँ पहुँचता है और क्रेडेंस को कहता है कि क्रेडेंस क्या चाहता है। क्रेडेंस अपने असली पहचान जानने की बात करता है। ग्रिंडलवॉल्ड उसे पैरेलचाइज का एड्रेस देता है और कहता है कि आज रात वहाँ उसे अपनी पहचान पता चलेगी, और वहाँ से चला जाता है। कामा और जैकब जो घर में अकेले होते हैं निकोलस से मिलते हैं। निकोलस क्रिस्टल बॉल में देखते हैं और बताते हैं कि लेस स्ट्रेंज का मकबरा है पैरेलचाइज में। जैकब वहां जाने को होता है, पर देखते हैं कि कामा ऑलरेडी जा चुका है। निकोलस रोकने की कोशिश करता है, पर जैकब निकल जाता है क्योंकि निकोलस को और भी भविष्य दिख रहा होता है जिसमें ग्रिंडलवॉल्ड होता है। वो एक बुक निकालता है और उसमें एक औरत सिबात से बात करता है कि ग्रिंडलवॉल्ड रात में रैली निकालेगा जिसमें बहुत जाने जा सकती हैं, और औरत कहती है कि निकोलस भी वहां जाए। न्यूट पॉलीजूस पोशन का यूज करके अपने भाई का रूप बना लेता है और वो और टीना मंत्रालय में घुस जाते हैं। उधर असली थीसियस और बाकी ऑरर्स ग्रिंडलवॉल्ड को रोकने जा रहे होते हैं। रैली के हर इंसान को गिरफ्तार करने को कहा जाता है। थीसियस कहता है इतनी स्ट्रिक्टनेस सही नहीं है, और उसकी नजर न्यूट पर पड़ती है जो उसका रूप बनाकर घुसाया होता है। थीसियस न्यूट को रोकने जाता है, पर टीना उसे सेकंड्स में बांध देती है। उधर एबरनाथी रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड रख रहा होता है। न्यूट और टीना रिकॉर्ड रूम जाते हैं, वहाँ लीटा भी आ जाती है। अपने लॉकर में देखती है कि एक लेटर है जिसमें लिखा होता है कि रिकॉर्ड को खानदानी मकबरे में रख दिया गया है, पर लीटा को बोट ट्रकल दिखाई दे जाता है और फिर न्यूट और टीना भी। पर वहाँ मेल्यूसीन आ जाती है अपने मेटेगॉड्स के साथ। वो लोग वहाँ से बच निकलते हैं, मकबरे पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें कामा नगीनी और क्रेडेंस मिलते हैं। लीटा यूसुफ को रोकती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। क्रेडेंस कहता है कि अगर यूसुफ उसका भाई है तो फिर वो खुद कौन है, उसकी पहचान क्या है। कामा बताता है कि उसके फादर मुस्तफा कामा सेनेगेलस शुद्ध खून के आखिरी वंशज थे, और माँ लोरेना ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत थी। वो लेसिस्ट्रेंज फैमिली को जानते थे जो अमीर शुद्ध खून परिवार था, और लेसिस्ट्रेंज आदमी को उसकी माँ लोरेना पसंद आ गई थी। उसने लोरेना को सम्मोहन शाप के वश में कर लिया था और अगवा कर लिया था।
उसके बाद से कामा ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। बस ये पता है कि वो लेसिस्टेंस परिवार की एक बच्ची को जन्म देने के बाद मर गई थी, यानी लीटा को। ये सुनकर उसके पिता मरते मरते कामा को बदला लेने का कह गए कि उस इंसान को मार दो जो लेसिस्टेंस को सबसे ज्यादा प्यारा है। कामा ने सोचा कि ये तो बहुत ही इजी है, उसका एक ही रिश्तेदार था यानी लीटा। लेकिन यूसुफ को पता चल गया कि उसने लीटा को कभी प्यार किया ही नहीं था, क्योंकि लोरेना को गुजरे 3 मंथ भी नहीं हुए थे और लेसिस्टेंस ने दूसरी शादी कर ली थी। उसे दूसरी बीवी से भी कोई ज्यादा प्यार नहीं था। और फिर उसका बेटा हुआ कॉर्वस, और उस बिना प्यार करने वाले इंसान को अपने बेटे से बहुत प्यार हो गया। क्रेडेंस कहता है, मतलब वो कॉर्वस लेसिस्ट्रेंज है? यूसुफ हाँ कहता है, पर लीटा ना कर देती है। यूसुफ कहता है कि ये जानकर कि मुस्तफा का बेटा जान लेने पर उतारू है, उसने अपनी बेटी को हाफ एल्फ के साथ छिपने के लिए शिप से अमेरिका रवाना कर दिया था, पर वो शिप समुद्र में डूब गया था, पर लीटा बच गई थी। वो उसी पोएम को सुनाता है कि बेरहमी से त्यागा गया बच्चा बेटी की निराशा का सबब, पानी से निकला पंखों पर सवार, लौट आया बदला लेने। वो कहता है लीटा निराशा की बेटी है, और क्रेडेंस पानी से बाहर आया है, और खुद यूसुफ वो है जो खानदान का बदला लेगा, इसलिए अब यूसुफ कॉर्वस यानी क्रेडेंस को मार डालेगा। पर लीटा उसे रोक देती है कि कॉर्वस लेसिस्ट्रेंज पहले ही मर चुका है, क्योंकि खुद लीटा ने उसे मारा था। वो रिकॉर्ड खोलती है, उसमें फैमिली ट्री होती है जिसमें सिर्फ आदमियों के नाम थे, औरतें सिर्फ फ्लावर के शेप में थी विदाउट एनी नेम। वो बताती है कि लेसिस्ट्रेंज ने लीटा को कॉर्वस और विच के साथ अमेरिका भेजा था शिप में। लोग उन दोनों को इरामा दुगड़ की पोता पोती समझने लगे थे, पर कॉर्वस के हमेशा रोने से लीटा तंग आ गई थी, इसलिए उसने उसे दूसरे बच्चे से एक्सचेंज कर दिया था। उसी टाइम शिप डूबने वाली होती है, दूसरे बच्चे की माँ कॉर्वस को अपना बच्चा समझकर उठा लेती है, पर तूफान में डूब जाती है और कॉर्वस पानी में डूबने से मर जाता है। जिस बच्चे को लीटा उठाकर ले आती है वो क्रेडेंस होता है, पर लीटा को उसकी माँ का पता नहीं होता। वहाँ एक ग्रिंडलवॉल्ड सबको इकट्ठा कर लेता है और 1000 लोग आ जाते हैं उसकी बात सुनने। उसमें शुद्ध खून वाले क्वीनी, जैकब, क्रेडेंस, नगीनी सब देखने जाते हैं, जिसमें क्वीनी सुनना चाहती थी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। ग्रिंडलवॉल्ड आता है और कहता है कि पुराने तरीकों को चेंज करना होगा। वो भविष्य दिखाता है जादू से कि किस तरह मगल और विजर्ड्स के बीच में वॉर हो जाएगी अगर विजर्ड्स अभी से अपना हक जताकर सामने ना आए तो। तब तक ऑरर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। थीसियस अपने साथियों को हमला करने से मना करता है कि हमला करके ग्रिंडलवॉल्ड की बात सच साबित हो जाएगी। ग्रिंडलवॉल्ड सबको ऑरर्स के खिलाफ भड़काता है। एबरनाथी जानबूझकर एक विच पर हमला करता है ताकि लोगों को लगे कि ऑरर्स ऐसे ही होते हैं। ग्रिंडलवॉल्ड इस बात का फायदा उठा लेता है और सिंपैथी गेन कर लेता है। निफलर भी निकल जाता है सूटकेस से। ग्रिंडलवॉल्ड सबको कहता है कि वो डिसेपरेट हो जाए और लोगों को बता दे कि उन्हें शांति चाहिए। लोग जाना शुरू हो जाते हैं। अब बस लीड कैरेक्टर्स बचते हैं। थीसियस ग्रिंडलवॉल्ड को पकड़ने को कहता है, पर ग्रिंडलवॉल्ड नीली आग का घेरा बना देता है जिसके पार सिर्फ वही जा सकते हैं जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, और फिर वहां से डिसेपरेट हो जाते हैं, और जो सपोर्टर्स नहीं है वो आग में जल जाएंगे। और ऑरर्स को ऑप्शन देता है कि या तो वो उसके साथ आकर मिल जाएं या फिर सब मरेंगे, और ब्लू फायर को स्प्रेड कर देता है, उसमें सब जलने लगते हैं। नगीनी क्रेडेंस को रोकती है, पर अपनी पहचान का पता करने के लिए वो ग्रिंडलवॉल्ड के पास चला जाता है। क्वीनी भी जैकब के चलते उसके पास चली जाती है। जैकब मना करता रह जाता है। बाकी सारे ऑरर्स मरने लगते हैं। लीटा आकर ग्रिंडलवॉल्ड को रोकती है। ग्रिंडलवॉल्ड उसे भी बातों में ले लेता है। वो न्यूट और थीसियस जो साथ खड़े होते हैं उधर देखकर आई लव यू कहती है और ग्रिंडलवॉल्ड पर हमला कर देती है, जिसे वो इजीली रोक देता है। वो सबको जाने का कहती है और इस कोशिश में मर जाती है। यूसुफ नगीनी को बचा लेता है। वो सब बिल्डिंग से बाहर आते हैं, पर आग चिड़िया का रूप लेकर तबाही फैलाने लगती है। निकोलस फ्लेमल वहां पहुंच जाते हैं और सब विजर्ड्स को घेरा बनाकर जमीन पर छड़ी गाड़कर आग को फैलने से रोकने का कहते हैं। वो सब ऐसा ही करते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड का मंत्र खत्म हो जाता है। निफलर न्यूट के पास घायल हालत में आता है, जिसने ग्रिंडलवॉल्ड से वो ब्लड पैक की शीशी चुरा ली थी। सब डंबलडोर से मिलने जाते हैं, सिर्फ न्यूट बात करने जाता है। वो बताता है कि लीटा मर गई और डंबलडोर को शीशी दे देता है। थीसियस डंबलडोर को आजाद कर देता है और डंबलडोर और न्यूट वहां से चले जाते हैं। उधर नर्मनगार्ड कैसल में ग्रिंडलवॉल्ड, क्रेडेंस, क्वीनी और बाकी लोग होते हैं, जहां ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस को एक जादुई छड़ी देता है और उसे कहता है कि उसका भाई क्रेडेंस को खत्म करना चाहता है, और उसे उसका फीनिक्स दिखाता है और कहता है कि फीनिक्स परिवार के उस मेंबर के पास रहेगा जो मुसीबत में हो, क्योंकि क्रेडेंस एल्बस डंबलडोर का भाई और एलियस डंबलडोर है,
और ग्रिंडलवॉल्ड उसके साथ मिलकर नया इतिहास बनाएगा और दुनिया को फिर से बनाएगा। क्रेडेंस अपनी छड़ी का यूज करता है और बहुत ही पावर निकलने से दूर के पहाड़ को टूटा हुआ दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फैंटेसिक बीस्ट और क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड की। आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका क्या सोचना है क्रेडेंस का डंबलडोर के भाई होने के बारे में वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप नगीनी और क्रेडेंस की मेरी फैन थ्योरी सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।